दोस्तों, क्या महेंद्र सिंह धोनी की वजह से आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में ही आरसीबी की टीम पहुंच पाई है? अब यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, यह सवाल पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस का है, खास करके आरसीबी के फैंस का। क्योंकि सीएसके के फैंस का यह मानना है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को क्वालिफाई कराने में जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया वो महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं। अब ऐसी बातें क्यों हो रही है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता दूंगा। दरअसल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2024 का एक वर्चुअल नॉकआउट मुकाबला हुआ था जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 18 मई को खेला गया था। और इस मुकाबले में दोनों टीमों के सामने एक शर्त रखी गई थी कि अगर आरसीबी की टीम को क्वालिफाई करना है तो उनको 18 रनों से ऊपर के मार्जिन से मैच जीतना होगा, और अगर चेन्नई सुपर किंग्स को क्वालिफाई करना है तो उनको 18 रनों से कम के मार्जिन में या फिर 18 बॉल 3 गेंद के बाद उनको हारना था। अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए मैच जीतते तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्वालिफाई कर जाती, और अगर आरसीबी 18 रन से ऊपर के मार्जिन से मैच को जीती तो आरसीबी की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाती। और जैसा कि हमें पता है कि उस मैच में बारिश हुआ था और बारिश ने उस मैच में एक्स फैक्टर का काम किया था, क्योंकि आपको पता होगा कि 3 ओवर के बाद मैच किस तरह से पलट गया था, यानी कि जहां 3 ओवर में रन पानी की तरह बह रहे थे वहां मैच रुकने के बाद जब फिर से स्टार्ट हुआ तो वहां पर रन बनाना बेहद ही मुश्किल हो गया था, और साफ नजर आता कि वो पिच काफी टर्निंग ट्रैक बन गई थी बारिश होने के बाद, और वहां पे जो बॉल था या फिर कहे तो बॉल अगर ज्यादा गीला हो रहा था तो वहां पे बॉलिंग करने में काफी दिक्कत हो रही थी। ये हमें सेकंड इनिंग में साफ देखने को मिला, जिसके कारण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, मोहम्मद सिराज से गेंदबाज कई बार अंपायर से भिड़ते हुए नजर आए कि भाई साहब आप इस गेंद को चेंज कर दो, क्योंकि बॉलर्स को ये गेंद डालने में काफी तकलीफ हो रही है, और ये हमें मैच में साफ देखने को मिल रहा था। दरअसल आपको बता दें कि एक समय पर ऐसा आ गया था जब चेन्नई सुपर किंग्स के पकड़ में पूरा मैच चला गया था, लेकिन वहां से आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दरअसल 19वें और 18वें ओवर में आरसीबी के गेंदबाजों ने जमकर रन बनाए और उस 2 ओवर में 3 बार नो बॉल फेंका गया, और वो 3 बार नो बॉल इसलिए फेंका गया क्योंकि गेंद काफी गीला हो गया था और उनको फेंकने में या फिर कह दो ग्रिप बनाने में गेंदबाज को काफी तकलीफ हो रही थी, जिसकी शिकायत विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस बार बार अंपायर से कर रहे थे। इसके बावजूद अंपायर बॉल को चेंज नहीं करा, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी ने 110 मीटर का छक्का लगाया जो कि आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा छक्का था, और उस समय महेंद्र सिंह धोनी 12 गेंदों में 25 रनों पर खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने छक्का लगाया और गेंद बाहर चली गई स्टेडियम की, जिसके कारण आरसीबी के लिए वहां से एक बेनिफिट ये हुआ कि आरसीबी की टीम को एक नया गेंद मिल गया, जिसके बाद आरसीबी के गेंदबाजों ने वापसी करी और वहां से मैच को अपने नाम करा दिया। और इसका खुलासा खुद आरसीबी के प्लेयर दिनेश कार्तिक ने करा। दरअसल आपको पता होगा कि जैसा ही मैच खत्म होता है आरसीबी के ड्रेसिंग रूम का वीडियो सोशल मीडिया पे हमें कई बार देखने को मिलता है, उसमें एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ जिसमें दिनेश कार्तिक ने खास करके महेंद्र सिंह धोनी को थैंक्स बोला कि आपकी वजह से ही आज हम आईपीएल 2024 के लिए क्वालिफाई कर पाए। दरअसल उन्होंने उस वीडियो में कहा कि आरसीबी के गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करना काफी तकलीफ हो रहा था पुराने गेंद के साथ, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जब वो छक्का जड़ा तो हमारे लिए वो एक नई सूर्य की किरण की काम करी। जैसा ही उन्होंने छक्का स्टेडियम के बाहर मारा हमारे पास एक नया गेंद आ गया जो कि गीला नहीं था, जिसके कारण गेंदबाज काफी अच्छे तरीके से उसको ग्रिप कर पा रहे थे और गेंदबाजी करने में उन्हें काफी आसानी होने लगी, जिसके कारण ही शायद इस मैच को हमने जीत पाया। आपको याद होगा कि जब गेंद पुरानी थी तब महेंद्र सिंह धोनी ने काफी लंबे लंबे छक्के जड़ दिए थे, और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा ने भी काफी लंबे लंबे शॉट्स खेले थे, और महेंद्र सिंह धोनी का एक छक्का 110 मीटर का था जो कि स्टेडियम का सीधा बाहर चला गया था, और उस छक्के के बाद ही आरसीबी की टीम को नया गेंद मिला, जिसके बाद यश दयाल ने 17 रन डिपेंड कर लिए थे लास्ट ओवर में। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आरसीबी की तरफ से गेंदबाजों ने 18वें और 19वें ओवर में लगभग 17-17 रन दिए, यानी कि एवरेज उनका जो था रन लुटाने का वो 17 रन से ऊपर का था, लेकिन जब लास्ट ओवर में यानी कि 20वें ओवर में जब आरसीबी की टीम को 17 रन डिपेंड करने थे तब उनके पास पुरानी गेंद थी हाथ में, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने 20वें ओवर की पहले ही गेंद पर 110 मीटर का छक्का जड़ा और वहां से नई गेंद आरसीबी के हाथ में लग गई। उसके बाद यश दयाल ने जितनी भी बॉलें डाली काफी बेहतरीन तरीके से और सटीक डाली, जो कि सीएसके के बल्लेबाज खेलने में नाकामयाब रहे, या यूं कहकर रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी उसको बड़े शॉट्स में बदलने में नाकामयाब रहे, और यश दयाल की बेहतरीन गेंदबाजी के कारण ही आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और रविंद्र जडेजा को यश दयाल ने 2 डॉट बॉलें डाल दी, जिसके बाद मैच पूरी तरह से आरसीबी के पकड़ में आ गया, और यहां से आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले को 27 रनों के मार्जिन से अपने नाम करके आईपीएल 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया, जिसके बाद से ये खबर आगे की तरफ फैल गई कि आरसीबी की टीम को क्वालिफाई करने में जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया वो ना कि फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली और बाकी गेंदबाज रहे बल्कि महेंद्र सिंह धोनी का वो 110 मीटर का छक्का रहा। अब इस बात को अगर दिनेश कार्तिक ने खुद मान लिया है तो भाई सब हम भी मान लेते हैं, क्योंकि आरसीबी का फैन तो मैं हूं ही,
और दिनेश कार्तिक ने बोला है तो सही ही बोला होगा, क्योंकि हमें भी पता है कि पुराने गेंदबाजी से गेंदबाजी बेहद ही मुश्किल हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को यहां से बाहर करने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आईपीएल 2024 की ट्रॉफी को अपने नाम कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप दिल से चाहते हो कि आरसीबी की टीम ट्रॉफी को उठाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।